अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे मैं यूज़ करती हूँ माइक्रोवेव। देखिए, कोई भी माइक्रोवेव फ्रेंडली बर्तन में राइस या फिर जो भी करी जो गर्म करना है उसको अंदर रख के 1 मिनट के लिए स्टार्ट कर देने से ये गर्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा गर्म करना है तो उसमें पावर चेंज करना है एकदम ऊपर कॉर्नर में। ये देखिए पावर, जितना पावर में आपको गर्म करना है और जितना मिनट्स के लिए, सपोज 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के लिए या फिर इससे भी कम, तो स्टार्ट कर देना है। बस ये ऐसा यूज़ करना है। उसके बाद जो बटन्स है, देखिए टोटल 6 बटन है और नीचे एक नॉब होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करने के बाद इमीडिएटली 1 मिनट में एनी टाइम होगा, तो उसमें क्या है ना, आपको ये जो बटन है ना, स्टार्ट बटन है, कुछ भी चीज़ें 1 मिनट के लिए गर्म करना है तो ये बटन प्रेस कर देने से 1 मिनट का गर्म हो जाएगा। सपोज पानी गर्म करना है, 1 मिनट स्टार्ट हो गया, अब उसको 10 सेकेंड्स तक करना है तो रिड्यूस में जब 40 में आ जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, 50 में आ जाएगा तब साइड वाला जो बटन है ना उसमें पॉज और कैंसिल है, पॉज कर देंगे मतलब हो गया 10 सेकेंड्स, और दोबारा अगर प्रेस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। साइड में और एक बटन है जो डिफ्रॉस्ट का बटन है। डिफ्रॉस्ट बटन का यूजेस क्या है, डिफ्रॉस्ट प्रेस करने के बाद आपको वेट देना है, जैसे कि 1 किलो या फिर 2 किलो या फिर इससे भी कम है, जितना वेट आपका सामान है उस हिसाब से आपको डिफ्रॉस्ट करना है। फ्रिज के अंदर से निकालने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आने के लिए 0.2 मीन्स 2 ग्राम्स, और ऐसा आपको 1 किलो, सपोज़ 2 किलो, सपोज़ 2 किलो का कोई चीज़ हम लोगों को गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो 2 किलो प्रेस करके 2 किलो सिलेक्ट करके प्रेस कर देने से 52 मिनट्स के लिए ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आने के लिए 52 मिनट्स लगेगा। बट ये बहुत ही यूज़लेस एक ऑप्शन है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इसको इससे अच्छा हम लोग पानी में थोड़ी देर रखने से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है ना कोई भी डीप फ्रिज का ऑप्शन। इसके ऊपर अगर यूज़ करना है आपको तो आप यूज़ कर सकते हो। मिडिल में जो ऑप्शन है वो कैंसिल एंड पॉज बटन है। सपोज़ कोई भी चीज़ें आप लोगों को कैंसिल कर देना है, जो भी आप ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो मिडिल का ऑप्शन को आप प्रेस करने से नीचे वाला जो छोटा बटन मिडिल है ना वो कैंसिल हो जाएगा। या फिर सपोज़ पॉज में मिडिल में पॉज करके देखना है अंदर क्या हो रहा है तो भी है। ऊपर एक बटन है, देखिए सी, सी मीन्स कॉम्बी, इसमें क्या है कॉन्वेक्शन एंड कॉम्बी, और जो इसके नीचे जो बटन है ना ये देखिए ये टेम्परेचर बढ़ाता है। 180 इस माइक्रोवेव का मैक्सिमम टेम्परेचर है, मतलब प्री हीट करना है तो ये ऑप्शन चूज़ करना है आपको। सी प्रेस करके प्री हीट का 180 लगा के आपको 5 मिनट्स सिलेक्ट करके फिर स्टार्ट कर देना है, या फिर जितना देर तक आपको प्री हीट करना है इधर ही नॉब को घुमा के सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देना है, तो माइक्रोवेव क्या होगा प्री हीट होते रहेगा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए या फिर ग्रिल चिकन कुछ भी करने के लिए प्री हीट करना है ना माइक्रोवेव, ये ऑप्शन है। मिडिल ऑप्शन प्रेस करने से पॉज हो जाएगा और दोबारा प्रेस करने से कैंसिल हो जाएगा, तो मिडिल ऑप्शन का यही काम है, एक फर्स्ट टाइम प्रेस करने से पॉज है, दूसरा टाइम क्या है कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में और भी ऑप्शन है, देखिए एक तो सी वो जो कन्वेक्शन एंड कॉम्बी है, दूसरा वाला क्या है माइक्रो एंड माइक्रो के साथ में कॉम्बी है, मतलब माइक्रो एम सी, इसमें भी 2 ऑप्शन है C1 एंड C2, आपको गाइडलाइन बुक जो है वो देखने से आराम से पता चल जाए। उसके बाद जी ऑप्शन मीन्स ग्रिल, उसके बाद उसमें भी 2 ऑप्शन है माइक्रो एंड ग्रिल, तो टोटल 4 ऑप्शन है उधर, तो आपको गाइड बुक देखने से आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। उधर सिलेक्ट करके आपको जो क्या करना है, नीचे का नॉब जो है ना उसमें घुमा के आपको टाइम सेट करना है, बस उतना ही है। सी सी वन सी टू और जी का G1 G2, 4 ऑप्शन है इधर। नॉब घुमा के आपको कितना मिनट्स है वो मिनट्स सिलेक्ट करेंगे आप, सपोज़ 3 मिनट्स पिज़्ज़ा के लिए मैक्सिमम ये यूज़ करती हूँ मैं, और स्टार्ट कर देने से 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव को, माइक्रोवेव ग्रिल कॉन्वेक्शन सब ऑप्शन होते रहेगा, ठीक है जो भी है। सपोज़ मिडिल प्रेस करेंगे तो पॉज हो जाए। साइड में एक बटन है जो ऑटो कुकिंग है। ऑटो कुकिंग का ऑप्शन क्या है वो देखिए, माइक्रोवेव का ऊपर आपको मैनुअल दिया हुआ है, A012A10, मतलब A012A10 तक इधर लिखा हुआ है, उसमें से आप जो भी सिलेक्ट करेगा, सपोज़ A02 सिलेक्ट किया है और उसमें नीचे रेसिपीज दिया हुआ होगा, तो ऐसा मटर पनीर या फिर कुछ कुछ बहुत सारा रेसिपीज दिया हुआ है, रावा उपमा, ऐसा जो सिलेक्ट करेंगे आप उस कॉलम का, ए सपोज़ 01 सिलेक्ट किया हुआ है और रेसिपी नंबर कितना है, सपोज़ रेसिपी नंबर मैंने नंबर सिलेक्ट किया है 1 या फिर 2,
जो भी है उसमें से स्टार्ट कर देने से 18 मिनट्स के लिए सिर्फ कुकिंग होगा। मतलब गाइड बुक में फुल्ली दिया हुआ है उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स कितना देना है और क्या क्या मिक्स करना है, और उसके बाद आप जस्ट माइक्रोवेव के अंदर घुसा देने से ये 18 मिनट्स में ये जो भी रेसिपी आप सिलेक्ट किया है हो जाएगा। ठीक है, A01, A02, A10 ऐसा ऑटो कुकिंग में बहुत सारा रेसिपीज दिया हुआ है। ये लोग खुद इन लोगों का ये कॉम्बिनेशन देके ये लोग लिख के ऊपर एक मैनुअल लगा के दिया है। तो ऑटो कुकिंग का ये ऑप्शन है। सपोज ऑटो कुकिंग का 10 नंबर रेसिपी सिलेक्ट किया है तो 10 नंबर प्रेस करने के बाद A05 का 10 नंबर कॉलम ये किया है। सपोज थर्ड जो भी मतलब रेसिपी देख के उधर पता चल जाएगा आपको। और स्टार्ट बटन प्रेस करने से रेसिपी के हिसाब से टाइम लेता है, जैसे कि कुछ कुछ रेसिपी 18 मिनट्स, कुछ कुछ 8 मिनट्स या फिर इससे भी ज़्यादा कुछ कुछ रेसिपीज का मिनट्स होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से ये ऑटो कुकिंग ऑप्शन है। मैं मेनली यूज़ करती हूँ जो मतलब 1 मिनट का जो ऑप्शन है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। ठीक है, तो आज का ये रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा माइक्रोवेव का।